ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने कई तरह की राहतों का ऐलान किया है। इसमें 6 महीने के लिए फ्री राशन, घायलों को दवाइयां और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में इलाज, एम्बुलेंस को भी फ्री ईंधन, 1 साल के लिए फ्री मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ साथ जियो और रिलायंस रिटेल ने मृतकों के परिवारों में से एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा भी की है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बालासोर में हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मैं भारी मन से उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं जिन्होंने दुखद ट्रेन दुर्घटना में अपने परिजनों को खोया है। बालासोर में रेल हादसा होने के बाद से बालासोर में मौजूद रिलायंस फाउंडेशन की विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन टीम बालासोर कलेक्ट्रेट और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ समन्वय में काम कर रही है। रिलायंस फाउंडेशन घायलों को निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने में मदद करना, मास्क, दस्ताने, ORS, बेडशीट, रोशनी और बचाव के लिए अन्य आवश्यक चीजें जैसे गैस कटर आदि तुरंत उपलब्ध करा रही है। तो रिलायंस फाउंडेशन ने राहत के कई ऐलान किए हैं। ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई लोग जख्मी हुए थे, घायल हुए थे, उनकी मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन भी आगे आया है और लगातार मदद कर भी रहा है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।